तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीढ़ितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए। सत्संग करना चाहिए। बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर चिंतन करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में तो बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है कि जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं वो अपना अदृश्य प्रभाव छोड़ता ही है। जो जो विचार हमारे आसपास के लोगों के मनों में होते हैं और जब वो हमसे शेयर करते हैं, हम बातें करते हैं आपस में, तो मन पर उसका रंग हल्का या गाढ़ा चढ़ता ही है। और इसका परिणाम ये है कि जो भक्ति आप खुद में चाहते हैं, जो प्रेम, जो ज्ञान, जो क्लैरिटी आप चाहते हैं, वो धूमिल पड़ जाती है और मन में उस माहौल के विचार, उस माहौल के कारण उपजे विचार वो आते रहते हैं। भक्ति दृढ़ नहीं होती, विचार बहुत आते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। श्री रामकृष्ण ने उपाय बता दिया, बीच बीच में अकेले जाकर रहो और वहां पर बहुत गाढ़ा ध्यान मनन करो और बड़ी सूक्ष्मता से देखो मन की चाल को, मन की गति को, बुद्धि कहां कहां क्या क्या फिर से सत्य मानने लग गई, मन कहां कहां फिर से भागने लग गया और उसको फिर प्रार्थना से, विचार से ठीक करो। आसान हो जाता है जब आप अकेले बैठकर ध्यान मनन कर रहे होते हैं और बाह्य जगत से और विचार उठने की संभावना भी कम होती है।
आपके लोगों के साथ इंटरैक्शंस न के बराबर हो जाते हैं तो ध्यान मनन आसान हो जाता है, समझ दृढ़ हो जाती है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, पौधों को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, बाड़ लगानी पड़ती है, नहीं तो बकरी चर जाएगी। अर्थात अपने को, अपनी साधना को सींचना भी है और बचाना भी है, खाद भी देनी है, सींचना भी है, ध्यान मनन स्वाध्याय सत्संग नाम गुणगान साधुओं की कंपनी, ये सब बातें सींचती हैं, साधना को परिपक्व करती हैं। पर इसके साथ साथ ही बाड़ भी लगानी है कि कहीं इसको बकरियां चर ही ना जाएं। और बकरियां क्या हैं यहाँ? जो हम संसार से विचार ग्रहण करते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट पर कुछ ना कुछ देखते हैं, या सगे संबंधियों के साथ उठते बैठते हैं, मित्रों के साथ बातचीत करते हैं, इन सब का प्रभाव मन पर पड़ता ही है। तो ये साधना को चर जाती हैं। आप जुम्मा जुम्मा कहा जाए तो दो कदम आगे बढ़ते हो और अपना आचरण ठीक न करने के कारण, आचार विचार संग ठीक न करने के कारण चार कदम पीछे आ जाते हो। तो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो बाड़ लगाना, और खासकर ऐसे लोगों से जो तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष क्रोध नहीं करना है, मन खराब नहीं करना है, पर सोच समझ कर, बड़े ध्यान से सोच समझ कर कि कौन मुझे मेरी साधना में प्रवृत्त करेगा, आगे बढ़ाएगा, और कौन पीछे खींचेगा। तमोगुण क्या है? ऐसा मन जिसमें ठीक ठीक सोचना हो ही न पाता हो, जो दूसरों में बुराइयां देखता हो, हर समय क्रिटिसाइज करता हो, दूसरों को कष्ट में देखकर खुश होता हो, अधिकतर भूतकाल में ही रहता हो और अधिकतर अप्रसन्न रहता हो। रजोगुणी जो अपना सुख बाह्य वस्तुओं से चाहता हो और उसके लिए बहुत कार्यों में व्यस्त हो, धन कीर्ति संबंध, बस इसी के इर्द गिर्द जिसकी
बुद्धि और जिसका मन सदा घूमता रहता हो। तमोगुणी व्यक्ति में आलस होता है। जो उसे चीज सुख भी दे सकती है वो उसके लिए भी बढ़ने में सुस्ती दिखाता है। मान लो उसे रात को लेटा है, ठंड लग रही है, कंबल पास ही पड़ा है, भाई कंबल को खोल ले, उठा के डाल ले अपने पर वो अपने पैर सिकोड़ता जाएगा, वो अपने घुटनों को अपनी छाती की तरफ लेकर आता जाएगा पर कंबल नहीं खोलेगा। कौन खोले? अपने सुख के लिए भी वो कार्यरत नहीं होता। राजसिक व्यक्ति अपने सुख के लिए बहुत कार्यरत होता है। तामसिक व्यक्ति के मन गुज्जलों से, चिंताओं से भरा होता है और उनको सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए वो प्रयत्नशील नहीं है। राजसिक मन भी इसी तरह चिंताओं से घिरा है पर वो प्रयत्नशील है। उसका रास्ता जो भी हो, धन की तरफ हो या विषयों की तरफ हो, पर प्रयत्न तो होता ही है। तो ऐसे दो जो गुण हैं और उनमें जो खोए हुए लोग हैं हमारे आसपास, उनसे इंटरैक्शन थोड़ा कम रखें, और खासकर उन लोगों से जो हमें तंग कर हमारी साधना का मजाक उड़ाकर, हमारे जीवन का मजाक उड़ाकर, हमको छोटा दिखाकर बहुत प्रसन्न होते हैं, दूर रहें। वो बकरियों की तरह साधना को चर रहे होते हैं। संग साधुओं का करना है, सात्विक मन है जिनके, जो भगवान की तरफ अनायास ही आकर्षित होते हैं। शांति, प्रेम, सहायता, दया, करुणा, मनन, सत्संग, इसकी तरफ जिनका मन बहुत लगता है, जो खुद भी परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहते हैं और हमको भी बढ़ते हुए बहुत खुश होते हैं देखकर, हमको भी बढ़ाना चाहते हैं, जब उन्हें इस रास्ते में कोई सहायता चाहिए तो वो हमसे वो मांग लेते हैं और हमको सहायता देने के लिए भी वो तत्पर रहते हैं। ऐसे जो शुद्ध मन हैं, जो निष्काम हैं या निष्काम होने के लिए तड़प रहे हैं, पवित्र हैं पूरी तरह या पवित्रता ही चाहते हैं, भक्त हैं पूरी तरह या भक्ति ही चाहते हैं, ज्ञानी हैं या ज्ञान विज्ञान में मन को तृप्त कर देना चाहते हैं। भगवान ने कहा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां वश में हैं या वो डेस्परेटली वश में करना चाहते हैं, जिनका जीवन का ध्येय परमात्मा ही है, ऐसे लोगों का संग करें। उससे बहुत सपोर्ट मिलती है साधना को। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। और सदा सर्वदा सत असत का विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु हैं और बाकी सब असत
अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। पहली बात उन्होंने कही, ध्यान करो मन में, कोने में, वन में। कहने का अर्थ है कि दिखावा न करें, आपकी जो साधना है वो दूसरों को बताने के लिए नहीं है कि मैं इतनी इतनी साधना करता हूं, इतने घंटे बैठता हूं, मैं इतनी पूजा करता हूं, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, मेरे जीवन का ध्येय तो बस ईश्वर प्राप्ति ही है, सब लोग जान लो। साधना का ध्येय कीर्ति नहीं है, साधना का ध्येय सत्य है, परमात्मा की अनन्य भक्ति है, तो उसका दिखावा न करें। मन में, वन में, कोने में चुपचाप लगे रहें और हमेशा सत्य और असत्य का विचार करें। बिना ठीक विचार के साधना की नींव पक्की नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मन अनित्य असत वस्तुओं विषयों के पीछे भागता भी रहे और साधना भी बहुत गाढ़ी हो जाए। मनन और विचार से मन से अनित्य वस्तुओं का आकर्षण कम होता है, खत्म होता है, तभी अनन्यता आती है, तभी सतत स्मरण बन पाता है, तभी नित्य में आसक्ति होती है। अनित्य से आसक्ति हो तो नित्य से कैसे होगी? अपने मन को समझाएं, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किससे मन में और चंचलता, और उद्विग्न, और परेशानियां बढ़ रही हैं, और किससे मन में परम शांति, परम प्रेम, परम आनंद आ रहा है। जो जो दूसरी वाली हैं उनको पकड़ लें, जो जो पहली वाली हैं उनको छोड़ दें। मन के खेलों में मन जो धोखा देता है, इन धोखे के खेलों में न फंसें, प्रार्थना भी करें और विचार भी करें, दोनों को साथ साथ लेकर साधना की नींव को दृढ़ करें, पक्का करें। भगवान हम सबको आशीर्वाद दें कि हमारी साधना की नींव दृढ़ हो, पक्की हो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत्।